जहाँ तक बिहार का सवाल है, हम लोग भी पूरे तौर पर सजग हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा पहल की गई है। अभी तक तो कोई उस तरह का पेशेंट बिहार में नहीं मिला है, लेकिन खतरनाक तो है ही। हम लोगों की तरफ से निर्णय हो गया कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सबको बंद किया जाएगा। जो और भी कई तरह के कार्यक्रम होते हैं उसको अनुरोध किया गया, उसको स्थगित रखा जाए। 144 गलत था। आज ही हमने चीफ सेक्रेटरी को इसलिए पूछा, हम दो दिन से देख रहे हैं 144, हमने कहा क्या कारण है। आज हमने पूछा कि किस बात के लिए 144 लगाएं। 35 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो उसका फिर फैलने का खतरा खत्म हो जाता है। देखिए, जो कोरोना वायरस की स्थिति है, ये दुनिया भर में एक स्थिति उत्पन्न हुई चीन से शुरू होकर के, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपने देश में भी काफ़ी सजगता है। कुछ लोग ऐसे पेशेंट भी आए हैं। जहाँ तक बिहार का सवाल है, हम लोग भी पूरे तौर पर सजग हैं। जो केंद्र सरकार के द्वारा पहल की गई है उसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के द्वारा भी पूरी पहल की जा रही है। इसके लिए जागरूकता के लिए भी लोगों को उसका अभियान चला करके लोगों को कॉन्शस किया जा रहा है और एक एक बात लोगों को बताया जा रहा है। जो इसका देखिए, अभी तक तो कोई उस तरह का पेशेंट बिहार में नहीं मिला है, लेकिन खतरनाक तो है ही। हमारा जो बॉर्डर है यूपी में भी कुछ वैसा पेशेंट मिल गया, और फिर एक तरफ नेपाल है वहाँ भी पेशेंट मिला है। तो हर तरफ से सजग रहना ही हम लोगों का दायित्व है और लोगों को सजग करना। जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें लोगों को भयभीत नहीं होने देना, जागरूक रखना और सजग रखना, तो इसके लिए हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं। और इसके देखिए, इसका जो सबसे बड़ा उपाय है वह यही है कि जो लोग थोड़ा एक हल्का दूरी बना कर रहें, नंबर एक, और जो कई प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम होते हैं सार्वजनिक तौर पर, उसको अभी अवॉइड किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों की तरफ से निर्णय हो गया कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सबको बंद किया जाएगा। जो और भी कई तरह के कार्यक्रम होते हैं उसको अनुरोध किया गया, उसको स्थगित रखा जाए, ताकि बड़ी संख्या में लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हों, उसमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा हो सकता है। और अवेयरनेस के लिए जो सबसे अधिक लोगों को यही कहा जा रहा है, और जहाँ कहीं भी ये बात हुई है, यानी एक दूरी बना करके और सार्वजनिक रूप से कोई सभी कोई स्थल पर इकट्ठा न होना, तो इससे अगर लोगों को बताया जो जा रहा है और इस पर लोग कॉन्शस रहेंगे तो मेरे ख्याल से उसकी संभावना कम होगी। अब कोई आदमी बीमार है तो उसका तो इलाज होना ही है, और जो कुछ भी है उसके लिए भी सारी तैयारी है। लेकिन अभी बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन कुछ भी अभी भी बाहर से बहुत लोग आते हैं। अब जो पिछले दिनों जो गया, बोध गया में बहुत लोग बाहर से आते हैं, इधर नेपाल का बॉर्डर था, तो इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। और अभी भी एयरपोर्ट पर अपने लोग बाहर भी रहते हैं, बाहर से आते हैं, तो उनको देखना, टेस्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है आज की स्थिति में। और उसके लिए बिहार में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अस्पतालों में भी जो इंतजाम करना ज़रूरी है, अलग लोगों को रखना, उसके लिए भी किया जा रहा है। और कुछ लोग जो बाहर से आएंगे तो उनको पृथक रखना है, जो क्वारंटाइन की बात होती है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने राज्य सरकार के अधिकारियों ने मिलकर के जगह का चयन किया, पाटलिपुत्र होटल का, उसका भी पूरा साफ सफाई सब कर लेंगे। और उसके बाद वही एक जगह उपलब्ध रहेगा कि जिसमें कुछ दिनों तक लोगों को बाहर रखना है तो रखा जा सकेगा। और अस्पतालों में भी इंतजाम किया गया है, सब तरह से कोशिश की जा रही है। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी चीज़ है वो भयभीत रहना नहीं, सजग रहना। और उसके लिए सबसे बड़ा उपाय है कि हम लोग थोड़ा अभी बच कर रहें, एक दूसरे से दूरी बना करके रखें, तो यही सबसे बड़ा उपाय। और जहाँ तक सवाल है, कोई अगर बीमार पड़ेगा तो जो भी उसका लक्षण उस पर इलाज होता है, कि तो वायरस चीज़ है, कोरोना वायरस है और दुनिया भर में फैला हुआ है, तो इसको लेकर के इसी को ध्यान में रख करके, एक तरफ जब हम लोगों ने स्कूल, कॉलेज और इन सब चीज़ों को बंद किया, तो उसी को ध्यान में रख करते हुए सर्वदलीय मीटिंग हुई विधानसभा और विधान परिषद में। सब लोगों ने ये सोचा कि नहीं, ठीक है, एक ही जगह फिर बहुत लोग बैठेंगे
और यही सिलसिला जारी रहेगा। अगर कहीं किसी को कुछ हो गया तो फिर बहुत परेशानी होगी और बहुत शिकायत होगी, इसलिए देखते हुए ये सब भी निर्णय लिया गया है। और आज हमने जो बुनियादी चीज़ है लोगों को बताने के लिए कि आप कौशस रहिए, जागरूक रहिए, और वही है थोड़ा दूरी बना करके चलिए, तो उससे आपको सबसे अधिक बचाव होगा। तो यही बात है। बुद्धिस्ट कंट्रीज से बहुत लोग पिलग्रिमेज के लिए आते हैं बोधगया, तो क्या पिलग्रिमेज को भी बंद करने की का कोई उपाय हो रहा है? अभी तो उसको बंद करने की बात नहीं है, लेकिन जो लोग भी बाहर से आते हैं, अब उसकी संख्या न के बराबर शायद हो गई है, क्योंकि बीच में कुछ भी था, इधर पता चला है कि कोई प्लेन आया भी तो उसमें लोग नहीं थे, कम थे, और अब तो खैर वो भी बंद हो गया, तो वैसी स्थिति नहीं है। लेकिन आप किसी चीज़ के बारे में कैसे सोच सकते हैं? हो सकता है कोई भी आए, किसी भी प्रकार से आए, आपको उसके बारे में जानकारी बाद में होगी। आप तो एयरपोर्ट पर कॉशस हैं, आप तो रेलवे स्टेशन पर कॉशस हैं, लेकिन उसके अलावे कोई कहीं से आता है तो सजगता रखना जरूरी है। लेकिन ये सोचना कि भाई वहाँ पर कोई नहीं जाए, ये तो लोगों की इच्छा पर है। अभी आप कैसे कह सकते हैं कि आप मत जाइए, बोधगया में मत जाइए या कहीं मत जाइए, तो हम लोग नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई भीड़ न हो इकट्ठा, और ऐसी स्थिति रहे कि एक डिस्टेंस के साथ लोग कहीं अगर जा रहे हैं तो कोई बात नहीं। कुछ अस्पतालों से जो मरीज थे वो भाग जा रहे हैं, तो क्या उनको फिर से ढूंढने की कोई कोशिश हो रही है? नहीं, बहुत रहता है, कोशिश बहुत है, पता भी कहीं बाहर से आ रहा है कौन आया। अब कल ही पता जो चल रहा था बेतिया मोतिहारी के बारे में, तो सब रात तक जा करके पता चल गया। तो कहने का मतलब है लोग सजग हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम जरूर प्रार्थना करेंगे सब लोगों से कि भाई इस बात में डरिए मत, लेकिन सजग जरूर रहिए। बाहर से आ रहे हैं तो एक बार जांच हो जाने में क्या दिक्कत है? ये आपके हक में भी और सबों के हक में भी है, इसलिए कभी किसी चीज़ को अवॉइड नहीं करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। धारा 144 हटा ली गई? नहीं, धारा 144 गलत था, आज ही हमने चीफ सेक्रेटरी को इसलिए पूछा। हम दो दिन से देख रहे हैं धारा 144, हमने कहा क्या कारण है? आज हमने पूछा कि किस बात के लिए धारा 144 लगाएं? कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है? ये तो लोगों में कॉन्शसनेस लाने की बात, जागृति लाने की बात, ये कोई कानून व्यवस्था का तो सवाल है नहीं कि 144 लगा रहे हैं। तो हमने निर्देश दिया कि कहीं भी 4-5 जिले में अगर लगाया है हटा दीजिए, और लोगों को इस बात के लिए सजग करिए कि भाई देखो ये कोई कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं है कि आप 144 लगा रहे हो। अरे लोगों के बीच में जागृति लाइए, बताइए, और सजगता रहेगी। अब जैसे अब हम लोगों ने किया है कि ऑफिसेज रहेंगे, तो अब ऑफिसेज रहेंगे तो वो एक एक चीज़ पर नज़र रखेगा। अब टीचर्स या जो कुछ भी प्रोफेसर्स कुछ भी जो भी रहेंगे, तो सब लोगों को इसके बारे में पूरी जागृति पैदा की जाए, उनका एक तरह से इसके बारे में सही ढंग से प्रशिक्षण कर दिया जाए, ताकि वो लोगों को बताते रहें। उपाय तो यही है ना, सबको बताना। अगर मान लीजिए किसी को किसी तरह की समस्या आ गई तो कोई पूछना चाहता है, तो जितने कॉन्शस लोग हैं उन्हीं से पूछता है कोई आदमी, तो अगर उनको भी सारी चीज़ों के बारे में सजगता रहेगी तब सही एडवाइस करेंगे। इसलिए हमने 144 वाला, वो लगता है गलतफहमी का शिकार हो गया था कुछ जगह जिला के स्तर पर, तो उसको तो खत्म कर दिया है कि नहीं 144 की आवश्यकता नहीं। सर, गांव देहात में जो लोग रहते हैं सर, गांव देहात में जो लोग रहते हैं उन तक ये बात कैसे पहुंचे, वो लोग कैसे सजग हो इसके लिए? पहुंच रहा बहुत, आजकल आप जान रहे हैं, अब तो जब मोबाइल भी कहीं फोन करते हैं तो शुरू में तो बता ही रहा है ना उस पर, इस पर जागरूक रहिए। तो ऐसा नहीं, अब ये कहना कि किसी को पता नहीं, पता है। हाँ, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत हो सकता है, इसलिए लोगों के बीच में, या आपने सही बात कही, जान सब लोग रहे हैं, लेकिन जान जो सब लोग रहे हैं तो मन में एक भय उत्पन्न होने का खतरा रहता है। भयभीत रहने से नहीं फायदा, जागरूक रहिए, और जो कहा जा रहा है 2-3 बार उसको अगर आप उसी के मुताबिक अपने को संभाल कर चलिएगा तो कोई खतरा नहीं है। कब तक ये अंदाज़ा है कि इसका महामारी का भय जो है? अब जो बात अभी तक आई है, बात जो हम लोगों के नोटिस में जानकारी में, अब कहाँ तक वो बात बिल्कुल एक्यूरेट है हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये बात आई है कि भाई 35 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाएगा तो उसका फिर फैलने का खतरा ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में तो हम लोगों का मार्च एंड तक तो इसलिए तो हम लोग किए हैं,
कि अप्रैल में तो फिर दिन में 35 डिग्री रहेगा ही, तो एक उम्मीद वही है हम लोगों को। सर आपके स्वास्थ्य मंत्री पे तेजस्वी यादव सदन के अंदर काफी हमला कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, बता देंगे आपको। नहीं, इन्होंने तो असेंबली में भी एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन ये खुद भी बता देंगे आप लोगों को। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सैनिटाइजर और मास्क की खरीदारी काफी हो रही है, लोग जरूरत महसूस कर रहे हैं। मैंने खुद चेक किया, रियलिटी चेक, तो देखा कि इन्फ्लेटेड रेट पर बेचा जा रहा है उसको। तो क्या सरकार, स्वास्थ्य मंत्री जी भी यहीं पे हैं, क्या सरकार इस पर कोई कार्रवाई करेगी? जो स्टॉकिस्ट हैं, जो होल्ड कर रहे हैं लोग सैनिटाइजर, जो 300 का माल 600 में बेच रहे हैं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, सब कर रहा होगा। आप जानते नहीं लोगों का स्वभाव भी क्या होता है। तो दोनों चीज़, सैनिटाइजर और मास्क, इसके बारे में हमने विधानसभा विधान परिषद में भी, सैनिटाइजर पर तो कम, लेकिन हाँ जो कह रहे हैं हम लोग कि भाई हाथ को साबुन से धोइए, और जब धोइए तो 20 सेकंड तक उसको धोइए, और जो भी 4 बार 5 बार 7 बार 8 बार कहीं कुछ करते हैं तो धो लीजिए, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, सैनिटाइजर से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन उसके बाद अगर है तो सैनिटाइजर का यूज करिए, पूछ लीजिए। आप तो जानते ही हैं ICU वगैरह में या कहीं भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर तो रखा रहता है ना, तो वो तो इसलिए सैनिटाइजर की तो उपयोगिता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि घर में ही रहना है, आसपास ही कन्फाइंड रहना है, तो हाथ साबुन लगा करके धो लीजिए, एक तो ये बात। और दूसरी रही बात मास्क वाली, ये मास्क के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज जो विधानसभा विधान परिषद के बाहर एक कोई आके मास्क बांट रहा था, रख रहा था, तो हम जैसे ही आप पूछे भाई क्यों लगाए हो, तो पता चला। तो खैर सारी बात हम लोगों ने की और आज हमने बता दिया, ये मास्क लगाना किसको है, जो सही में पीड़ित है उसको लगाना, ताकि उसका फैले नहीं। और दूसरा, जो डॉक्टर्स हैं या स्टाफ हैं या जो भी मेडिकल क्षेत्र में हैं, उनको लगा करके लोगों को देखना। आप ऐसे ही मास्क लगा रहे हो तो मास्क का क्या है लिमिट? 6 से 8 घंटा लिमिट है। अगर आप मास्क लगा रहे हैं 6-8 घंटा के बाद, उसकी उपयोगिता नहीं है, और उसकी उपयोगिता नहीं है ऐसे ही घर में मत फेंक के रखिए। कहा गया है, हम लोगों को बताया गया है कि या तो उसको आग लगा के जला दीजिए, और नहीं तो मिट्टी के नीचे उसको डाल दीजिए बस। तो भाई ये सब बात है। और जो आदमी स्वस्थ है, जिसकी तबीयत खराब नहीं है, उसको मास्क की कोई ज़रूरत नहीं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और सैनिटाइजर की बात है तो घर में तो है ही ना। और आप जो कैसे कहिएगा, समाज को तो आप अच्छी तरह जानते हैं, कुछ लोगों को तो ऐसे मौके पर तो आप जानते हैं ऐसी परिस्थिति हो गई तो कर दिया, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो हम लोगों ने कहा है, अब हेल्थ डिपार्टमेंट भी इस बात को बराबर कहेगा कि मास्क का कितना देर तक एक मास्क का उपयोग, उसको ऐड भी है। हाँ, ऐड भी दिए हैं। तो इन सब चीज़ों का प्रतिदिन जैसे केंद्र की तरफ से चलता है, हम लोग राज्य के लिए भी इसको एक विज्ञापन के जरिए हर प्रकार से, तीनों प्रकार का विज्ञापन, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल, तीनों पर ये विज्ञापन करके लोगों को अवेयर करते रहेंगे और लोगों की जानकारी में डालते हैं। गर्मी का मौसम, चपकी बुखार, पिछले बार आपको याद होगा कि चपकी बुखार से कई बच्चों की मौत, वो एक अलग विषय है। उसके लिए तो मुजफ्फरपुर के एरिया में सब ज़्यादा होता है, उसके लिए तो पूरा कॉन्शसनेस है, उसकी तैयारी अलग, वो अलग किस्म का विषय है, वो कोई बड़ा व्यापक नहीं है, पूरे राज्य या कहीं के लिए नहीं है, चूँकि ये दुनिया भर के लिए आ गया है ना, ये दूसरे तरह की चीज़। लेकिन उसके बारे में तो पूरी तैयारी जो पिछले कुछ वर्षों से हुआ, और लास्ट ईयर जो उसका असर बहुत ख़राब रहा, तो उसको ध्यान में रखते हुए डिफरेंट चैनल पर, न सिर्फ उनके ट्रीटमेंट का या दवा का, बल्कि लोगों को कॉन्शस बना करके तत्काल। अब उसमें क्या हुआ, जो लोगों को की तबीयत खराब हुई तुरंत अपना इलाज कराने के लिए पहुंचा, वो बच जाता है, जो डिले करता है उसी को दिक्कत होती है, या अगर बचा भी तो उसका कुछ न कुछ शरीर का नष्ट हो जाता है। तो ये बात तो देखते हुए उसको भी प्रचारित किया गया है। और आप जानते हैं वहाँ मुजफ्फरपुर के 5 ब्लॉक जो सबसे अधिक प्रभावित होता है, उसका सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करा के वहाँ के लिए एक एक काम, हर गरीब आदमी के लिए वो काम किया जा रहा है, वो सब तो हम लोग कर रहे हैं। तो वो तो एक लिमिटेड एरिया के लिए कुछ चीज़ें, ये समस्या जो है ये दुनिया भर में फैला हुआ है। आज की तारीख में अभी बोल रहे हैं, इस समय तक भले ही बिहार में नहीं हो, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हम लोगों को इसके लिए सजग रहना होगा। सर एक बात आ रही है सामने,
कि कोरोना से लड़ने में अल्कोहल बड़ा सहायक है, इस पर आपको क्या कहना है? अल्कोहल से बोगस कोई चीज है ही नहीं, ये गलतफहमी की आप शिकार है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो 2016 का पूरे दुनिया का सर्वेक्षण किया है और उसके बाद बता दिया है कि शराब का क्या क्या नुकसान होता है और कितने प्रकार की बीमारियां शराब के चलते होती हैं, कम भी लीजिएगा तो भी बीमार पड़िएगा, तो वो सब कुछ बताया है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं ने कहा है भाई कि ये तो महामारी की स्थिति हुई है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्च को मानना चाहिए। मान लीजिए हम लोग यहाँ कुछ कहते हैं वो आपको नहीं अच्छा लगे, लेकिन मानिएगा ना कि इतना बड़ा रिसर्च पूरे दुनिया के लिए किया, इसलिए ऐसी बात नहीं। कंसीडर प्राइवेट ऑफिसर्स, प्राइवेट कोरोना वायरस के लिए भी कोई डायरेक्शन दिया जा रहा है, दिक्कत आ रही है जो जिस तरीके से जांच हो रहा है, एक तरह का स्टिग्मा की तरह से लग रहा है कि ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा स्टिग्मा है, तो लोग अवॉइड कर रहे हैं जो सस्पेक्टेड भी केस है, क्योंकि जो लोग ट्रीट कर रहे हैं पता नहीं उनको प्रोटोकॉल मालूम है या नहीं मालूम है, लेकिन एक तरह से पूरा जो माहौल बना है उसमें लग रहा है कि कोरोना वायरस नहीं हो गया, आपको एड्स हो गया है, ये आपको लगता है कि थोड़ा? नहीं नहीं, इसके लिए तो पूरा कोशिश किया जा रहा है, और आपको जो हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेज हैं, उसमें जो इसके लिए प्रयास किया जा रहा वो बहुत ही उपयुक्त प्रयास है, लेकिन आप जानते हैं पहली बार किसी चीज़ को कोई जान रहा है तो उसके लिए लोगों को इस बात के लिए पूरे तौर पर बता करके उनको समझा करके ही ये सब काम किया जा रहा, उसके बारे में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी आपको बता देंगे संक्षेप में ही उसके बारे में। सर, प्राइवेट ऑफिसेज और प्राइवेट फंक्शंस पर भी कोई डायरेक्शन आने वाला है सर क्या? और जो कुछ भी जो एक आमतौर पर मान्यता है कि 35 तक हो जाए तो उसके बाद इसका खतरा टल जाएगा, ये इसकी सोच है और समझ है, और उसके बाद वो तो आगे की चीज़ है, उसके बारे में सब कुछ किया गया है, लेकिन उसके बारे में अभी जो मुजफ्फरपुर इलाके में और जहाँ भी जो काम करना है, और मेडिकल कॉलेज में आप जानते ही हैं कि उसका 100 बेड का अलग से बनाया गया है, वो सब काम किया गया है।